आज का वीडियो में हम लोग बैक और बाइसेप का वर्कआउट करेंगे। बैक में जो भी बैक का वर्कआउट करते हैं पर डेडलिफ्ट नहीं करते हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप डेडलिफ्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो अपना पीआर करेंगे, हर बार चेक करेंगे। लाइट वेट से ही करो, लेकिन करो। वो लोअर बैक के लिए बहुत बेनिफिट है और थाई मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए। तो डेडलिफ्ट आप करो, आप देखोगे डेडलिफ्ट करने का क्या फ़ायदा है। आपको आफ्टर 1 to 2 months आपको दिखेगा कि डेडलिफ्ट करने से क्या फ़ायदा है। सही पोस्चर में करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो बैक और बाइसेप्स का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। जो एडवांस वाले हैं वो बैक के साथ, लोग बैक के साथ बाइसेप्स का भी वर्कआउट करते हैं। तो कुछ लोग का कहना था कि भैया आप बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट का वीडियो आप डालो, बताओ मुझे। तो आपको इसमें मिल जाएगा बैक का कम से कम 5-6 सेट, आपको 4-5 सेट 6 सेट मिल जाएगा। और बाइसेप्स का भी आपको 4 तरह का वर्कआउट मिल जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है वो एडवांस वाले लोग के लिए आज है, और इसमें से आप फॉलो, आप बिगनर्स इंटरमीडिएट्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना सेट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बैक और बाइसेप्स का अगर आपका सेटअप रहेगा, जिस दिन आपका रूटीन में बैक और बाइसेप्स रहेगा करना, तो आप 3 तरह 4 तरह का बैक करना और 2 से 3 तरह का बाइसेप्स ट्रेंड करना, ये आप लोग के लिए सही रहेगा। और आप लोग का जो रेपिटेशन रहेगा बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स वाले लोग के लिए, वो 20-20 का रहेगा। मतलब 20-20 का रेपिटेशन देना है ईच सेट। और एक तरह का मसल जब ट्रेंड करेंगे बैक का, तो उसका हम लोग 3 सेट करेंगे। मतलब बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स वाले 3-3 का सेट करेंगे, और जितने जो भी एडवांस वाले हैं या एडवांस प्लस वाले हैं वो 4-4 का सेट करेंगे। और एडवांस वाले का कॉपी बिगनर्स नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस वाले का रेपुटेशन अलग होता है और बिगनर्स वाले लोग का रेपुटेशन अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कैसे किस तरह का पोस्चर है, आप ये सब पे भी ध्यान देना, ठीक है, कि कैसे मारा जाता है। जरूर डंबल उठा लिए और मारने लगे, वैसे नहीं होता है। सही पोस्चर पे सही मसल को ट्रेंड करो। जिस आप मसल को ट्रेंड कर रहे हो, माइंड कनेक्ट उस मसल से होना चाहिए। ये नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो, अब बात भी कर रहे हो, तो आपका माइंड कनेक्ट वो उस मसल्स पे नहीं रहता है। तो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान दो। बैक मार रहे हो, लैट्स का वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका माइंड कनेक्शन, आप सामने देख रहे हो मिरर में, वो बात अलग है, लेकिन आपका माइंड कनेक्शन जो है वो लैट्स पे रहना चाहिए। उसी तरह बाइसेप्स का अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो बाइसेप पे आपका माइंड कनेक्ट होना चाहिए। आपका आप देखो मिरर में, सामने देख के मारो, ये सही है, लेकिन आपका माइंड जो है वो कनेक्शन होना चाहिए आपके बाइसेप्स मसल्स पे, समझे। तब तब जा कर के ये बेनिफिट आ, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है। जिस किसी का दिखाता है कि एडवांस लेवल के लगभग 4-5 साल हो गया है वर्कआउट करते करते, लेकिन बाइसेप्स का ग्रोथ नहीं है, तो वो लोग यही गलती करते हैं, अपना माइंड कनेक्शन नहीं रखते हैं। आप वर्कआउट करते समय बात करते हैं, जिस कारण से उनका मसल डेवलप नहीं करता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें बैक और बाइसेप्स का जो दिखाया गया, जिसमें आपने देखा होगा 5-6-7 तरह का बैक का वर्कआउट है और 3 से 4 तरह का बाइसेप्स का भी वर्कआउट है। तो इसमें से आप स्किप भी कर सकते हो, जो आपको मन है कि टाइम के अभाव के कारण, टाइम अगर कम है तो उसमें आप स्किप भी कर सकते हो। एडवांस वाले आप इसमें 4 तरह का बैक ले सकते हो, 4 तरह का बाइसेप ले सकते हो, या 4 तरह का बैक मसल को ट्रेंड कर लो, फिर 3 तरह का बाइसेप्स को। तो जो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉलो करें जो भी ट्रेंड करना चाहते हैं एडवांस वाले, और लाइक सब्सक्राइब या फॉलो अब तक नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।